नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। आज मुंबई में लोग सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले थे, लेकिन ऑफिस जाने से पहले एक दर्दनाक हादसा हो गया। मुंबई के एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर यह फुट ओवर ब्रिज ईस्टर्न और वेस्टर्न रेलवे को जोड़ता है और इसी रेल पुल से हर दिन लाखों लोग गुजरते हैं, लेकिन हालत जर्जर और इस हालत को ये पुल इसका बोझ नहीं सह पाया। हादसे के बाद लोगों ने साफ साफ कहा कि इस रेलवे ब्रिज को चौड़ा करने और इसकी हालत सुधारने के लिए रेलवे को बार बार ध्यान दिलाया गया, लेकिन रेलवे ने ध्यान नहीं दिया और इस मौत के पुल पर लोगों को सफर करने पर मजबूर किया जाता रहा और हुआ वही जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे अचानक तेज बारिश हुई जिससे लोग ब्रिज पर फंस गए। बताया जा रहा है कि इस बीच ब्रिज के पास एक शॉर्ट सर्किट के बाद अफरा तफरी मची और फिर अफवाह फैली कि ब्रिज टूट रहा है और उसके बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 22 लोग इस भगदड़ में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या अफवाह फैलने को इस हादसे का जिम्मेदार माना जाए या फिर अनदेखी को। आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट। ब्रिज पूरा भरने के हिसाब से पूरा हादसा हुआ है, तो इसमें पूरा का पूरा रेलवे प्रशासन का ही जिम्मेदारी है। प्रेगनेंसी क्या हो रहा है, हम नीचे गिरा हुआ थे, एक पुलिस ने उसको उठाने के लिए आया, हम लोग किलो तो उठा के हॉस्पिटल में एडमिट किया। यहाँ पब्लिक को चलने को जगह नहीं है और पुलिस वाले हफ्ता खा के हॉकर्स धंधा करते वहाँ पे। ब्रिज पब्लिक के लिए है या हॉकर्स के धंधा करने वाले लोग के लिए? हादसे की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन क्या करें, जब मुंबई सुबह अपने दफ्तर जाने के लिए घर से निकली तो ये दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह 10 से 11 बजे के बीच एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। सेंट्रल लाइन के परेल स्टेशन और वेस्टर्न रेल लाइन के एल्फिंस्टन स्टेशन को कनेक्ट करने वाले ब्रिज पर भारी भीड़ थी। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से लोग ब्रिज पर ही इकट्ठा हो गए थे। धीरे धीरे ब्रिज पर भीड़ बढ़ने लगी, इसी दौरान वहां भगदड़ मच गई। यहाँ जो है एक तरीके से देखा जाए तो परेल और एल्फिंस्टन को जोड़ने वाला जो स्टेशन को जोड़ने वाला ये ब्रिज आप देख सकते हैं, यहाँ जो इसके पतरे हैं वो साइड से निकले हुए हैं। अचानक बारिश होने के वजह से भीड़ बढ़ गई, भीड़ बढ़ जाने की वजह से लोग ऊपर रुक गए। पहले लोग जब ऊपर रुके तो नीचे से जाने का रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। जब नीचे का रास्ता ब्लॉक हो गया तो हमने यहाँ से अपील की कि उतरिए सब, तो उतरने जो लोग ऐसे लगे कि पूरा जो ऊपर चढ़ रहे थे उन सारे लोगों को नीचे उतरना पड़ा। उतरना मतलब उतरे नहीं है, वो गिरे सारे लोग, इतने प्रेशर से भीड़ आई कि लोग गिरे। रेलवे पीआरओ अनिल सक्सेना के मुताबिक अचानक तेज बारिश की वजह से लोग फुटओवर ब्रिज पर जमा हो गए और किसी व्यक्ति का पांव फिसलने से भगदड़ मच गई। जब बारिश थमी और निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो चूंकि बहुत सारी भीड़ थी तो उस निकलने के उस प्रोसेस में ऐसा लगता है कहीं कोई फिसला है गीली सीढ़ियों की वजह से, उसकी वजह से जो है ये स्टैम्पीड जैसी घटना बनी है। घायलों को KEM अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में खून की कमी होने के बाद लोगों से खून देने की अपील की गई। लोग अपने रिश्तेदारों के बारे में जानने के लिए अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। लोगों को पता चला है कि ऐसी भगदड़ हुई और अगर उनके लोग स्टेशन पे मौजूद थे तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक बार भीड़ को दिखाने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल रिलेटिव्स को मिलने नहीं दिया जा रहा है अनलेस अंटिल अगर उन्हें किसी भी तरीके की ब्लड की जरूरत पड़ रही है या कोई ब्लड ग्रुप यहाँ पर ढूंढा जा रहा है तो लोगों से जरूर अपील की जा रही है। अभी भी जो परिजन है या जो उनके ऑफिस कलीग है जिन्हें पता चला आसपास अगर मौजूद थे वो जरूर यहाँ पर पहुंचे हैं। हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। रेल मंत्री ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। हाई लेवल इंक्वायरी चीफ सेफ्टी ऑफिसर वेस्टर्न रेलवे से ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, जो उस पूरे कारणों में जाएगी और जगह का भी इंस्पेक्शन करके
हमें जल्द से जल्द बताएगी कि इसके क्या कारण थे। लोगों का कहना है कि कई बार रेलवे से इस ब्रिज को लेकर शिकायत की गई, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि देश की फाइनेंशियल राजधानी भगवान भरोसे क्यों है? बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज के सवाल, मुंबई की लोकल में जरूरत से ज्यादा भीड़ क्यों? आमची मुंबई पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं? मुंबई में बार बार हादसे क्यों? यही सवाल तो हर कोई पूछ रहा है, मुंबई में बार बार हादसे क्यों? मुंबई वासी परेशान है, सड़कों पर गड्ढे हैं, लोकल्स भरी पड़ी है, बारिश होती नहीं कि पूरी मुंबई थम जाती है, और उसके बाद बार बार रिमाइंडर के बाद कि खस्ता हालत में है फुट ओवर ब्रिज, कुछ भी नहीं हो पाता है। लेकिन मुंबई तो चलने का नाम है, कल सुबह फिर से उठ निकलेगी, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे बिग स्टोरी बिग डिबेट में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, आपसे परिचय करा दे, बीजेपी लीडर राम कदम जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, एनसीपी स्पोक्स पर्सन नवाब मलिक हमारे साथ डिबेट में शामिल है, शिवसेना लीडर बाबूराम माने जी हमारे साथ हैं, रेलवे बोर्ड के फॉर्मर मेंबर राकेश चोपड़ा जी और साथ ही फॉर्मर रॉ चीफ आरसन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई? हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह भी मुंबई न्यूज रूम से इस वक्त जुड़े हुए हैं, और सबसे पहले अपने सहयोगी अनुराग शाह के पास ही जाएंगे फिलहाल ताजा अपडेट के लिए। अनुराग, सुबह यह हादसा हुआ है फुट ओवर ब्रिज पर, एल्फिनस्टीन रेलवे स्टेशन पर, 22 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, सबसे पहले अपडेट वहां पर बताइए क्या स्थिति है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी रिपोर्ट में देखा कि करीबन 10:30 के बाद यह हादसा हुआ था और 22 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हुई है, और उसके बाद रेलवे की तरफ से भी कंपनसेशन दिया गया है, और इसके राज्य सरकार ने भी घोषणा की है, और पीयूष गोयल ने कहा है कि जो भी ब्रिजेस है उनकी एक ऑडिट की जाएगी और अगले 10 दिन के अंदर ये ऑडिट रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और किस पे और किस तरह से आगे की जो ऐसे हादसे उनको टाला जा सके उस सब के ऊपर है। लेकिन मैं एक दिलचस्प चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा स्वाति, के मई के महीने के अंदर ही एक रिपोर्ट तैयार की गई थी रेलवे की जो सब्सिडरी है रीट्स के द्वारा, रीट्स का जो फुल फॉर्म है वो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो ये रेलवे की एक सब्सिडरी ने रिपोर्ट तैयार की थी, और इस रिपोर्ट में ये तरीके खोजे गए थे कि जिस तरह से मुंबई लोकल के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करके और नई ट्रेनों को इम्प्रूव नहीं करके किस तरह से इस भीड़ को कम किया जाए, और ज़्यादातर जो भीड़ रहती है ये मॉर्निंग पीक आवर्स में और इवनिंग पीक आवर्स में रहती है, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक या शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो ये भीड़ रहती। तो इसमें जो रिपोर्ट तैयार की गई थी और ये राज्य सरकार के साथ भी साझा की गई थी, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जिस तरह से जो वीकेंड की छुट्टी होती या फिर जो ऑफिस टाइमिंग है उसको बदला जाए, जो ऑफिस टाइमिंग है वो इस तरह से चेंज किया जाए, जो अभी ऑफिस टाइमिंग है उसको अलग कर दिया जाए, या 12 बजे से लेकर 9 बजे तक या फिर 1 बजे से लेकर 10 बजे तक फ्लेक्सी ऑफिस टाइमिंग किया जाए। उसके अलावा इस पर रिपोर्ट में बाकी सुझाव दिए थे कि फ्लेक्सी ऑफिस टाइम रखा जाए, लेकिन इस सुझाव पर कितना अमल हो पाया है? जी बिल्कुल, जहाँ तक हमें ये पता है कि ये मई के अंदर रेलवे ने रिपोर्ट तैयार की थी और फिर राज्य सरकार को सौंपी थी, और उसके बाद राज्य सरकार और रेलवे दोनों को मिलकर ये जो रिपोर्ट्स के अंदर जो रिकमेंडेशन थे, बहुत सारे रिकमेंडेशन थे कि जहाँ जो पीक आर्स का जो रश होता है वहाँ पर जो फेयर होता है उसको ज़्यादा रखा जाए, इसके अलावा जो ऑफिसेज हैं मेन ऑफिसेज जो आए हुए हैं दादर, लोअर परेल, एल्फिस्टन और जो मुंबई के जो टाउन इलाके में, तो वहाँ से ऑफिसेज हैं वो तरफ शिफ्ट किए जाए सबअर्बन इलाकों में, और जो फ्लेक्सी आर्स कंपनियां जो फ्लेक्सी आर्स देती है उन कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाए, तो इस तरह से मतलब मुंबई लोकल में भीड़ कैसे घटे, तो किस तरीके से ऑफिस की टाइमिंग बदली जाए, हफ्ते की छुट्टियां रविवार शनिवार के अलावा भी हो, जिससे कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो कि लोकल्स में भीड़ कम हो। लेकिन क्या ऐसे सुझाव से वाकई जो हादसे हैं या लोकल में भीड़ है वो कम हो पाएगी? फिलहाल जानकारी के लिए अनुराग आपका बहुत शुक्रिया। राकेश चोपड़ा जी आपके पास सबसे पहले आएंगे, बहुत बड़ा ये हादसा हुआ और शायद ये कह सकते हैं ये एक ऐसा हादसा था जो कि होने को तैयार था, बार बार लगातार ऐसे ब्रिज के लिए चेतावनियां दी जा रही थी, बाकायदा ट्विटर पर लोग कह रहे थे कि सुरेश प्रभु जी इसका कुछ कीजिए, फिर पीयूष गोयल साहब आए,
पीयूष गोयल साहब आए तो सर इस ब्रिज का कुछ कीजिए वरना ऐसा ना हो जाए किसी दिन भगदड़ हो जाए, और जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार हम कब गंभीर होंगे ऐसी स्थितियों को लेकर? राकेश चोपड़ा जी आपसे सवाल है। चलिए राकेश चोपड़ा जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि लगातार हम सवाल भी बिग स्टोरी बिग डिबेट में यही पूछ रहे हैं कि किस तरीके से अगर ये हादसा हुआ तो जो आमची मुंबई है वो दरअसल भगवान भरोसे ही है, और शायद हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, और चाहते हैं कि आप भी इस प्रश्न पर अपना जवाब दें दर्शक के तौर पर। राम कदम साहब यही सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, 22 जिंदगियां बचाई जा सकती थी बार बार लगातार अगर ऐसे ब्रिज को लेकर लोगों ने खुद गुहार लगाई कि कुछ तो कर दीजिए सरकार, फिर भी कुछ नहीं हुआ और नतीजा आज ये गंभीर हादसा। देखिए स्वाति जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकार, हम सभी लोग पीड़ित परिवारों के संग हैं। अब बात उठती है कि यह हादसा क्यों हुआ। जैसे कि रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसके जांच के आदेश दिए हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इसकी जांच करेगा, जांच के पश्चात जो तथ्य आएंगे वो हम सारे देश के सामने रखेंगे। पर पूरे दिन भर के कार्यकाल में, अंतराल में, जो अलग अलग लोगों ने वहाँ पर जो जश्मदीद थे उन्होंने जो बयान दिए, उन बयानों से ये सामने आता है कि ये कोई ब्रिज गिरने के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये हम जानते हैं, ये सत्य है। वहाँ पर भगदड़ क्यों मची? कुछ अफवाहें इस प्रकार से आई कि ब्रिज गिरने जा रहा है, वहाँ पर बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है, और उसी समय बारिश थी, बहुत सारे लोग ब्रिज पर ही रुके हुए थे, नीचे 5 ट्रेन रुकी थी और लोग बारिश में बाहर जाना नहीं चाह रहे थे, और एक का पांव फिसल गया। जैसे हम यातायात में रोड पे देखते हैं कि पहली गाड़ी अगर स्पीड में हो वो यदि ठुक जाए तो पीछे की 10-12 गाड़ियां ठुक जाती है, यह हमने अनुभव किया है। उसी प्रकार से एक आदमी का पांव फिसला बारिश के कारण और पीछे के सारे लोग गिर गए और उससे यह हादसा हुआ है। ये कोई समर्थन करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। राम कदम जी, आपने तो पूरी घटनाक्रम आपने बता दिया हमें कि कैसा हादसा हुआ, लेकिन आप ये बताइए कि अगर बार बार लगातार ये कहा जा रहा था कि जर्जर हालत में ये फुटओवर ब्रिज है, तो क्यों नहीं इसको पहले ही सुधार दिया गया? आप ही की बुनियादी बात पर आ रहा हूँ स्वाति जी, आप ही की बुनियादी बात पर आ रहा हूँ जो आपने जिक्र किया, कई लोगों ने ट्विटर पे जो कहा है। तो इस ब्रिज की पूरी तरह से मरम्मत होनी चाहिए, और ये केवल यह नहीं, पूरे मुंबई के सारे इस प्रकार के पुराने ब्रिज का ऑडिट करने के आदेश रेल मंत्री जी ने इसके पूर्व ही अधिकारियों को दिए हैं, और ये ब्रिज बड़ा होना चाहिए, हम चाहते इस बात को, हम स्वीकार करते। अब प्रशासन को ये बताने के बाद, क्योंकि कोई भी चिट्ठी आती है रेल मंत्री के पास और रेल मंत्री से वो प्रशासन की ओर जाती है, तो प्रशासन का काम करने का जो कांग्रेसी पुराना तरीका रहा है, तो वह पुराने तरीके में ये क्यों नहीं हुआ? ये जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे। राम कदम जी, आप इसके राम कदम जी ये बात समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस आरोप प्रत्यारोप में शायद वो जो 22 लोग हैं जिन्होंने आज अपनी जान गंवाई है, और जो 22 परिवार है वो जो दुख और शोक मना रहे हैं, वो लोग शायद आज जिंदा होते, जो अगर ये आरोप प्रत्यारोप में ही बात अगर घूम कर रह गई तो शायद ऐसे कई और फुटओवर ब्रिज है जो कि इस हादसे का इंतजार कर रहे हैं। स्वाति जी, आपकी बात, आपकी एक बात मैं सटीक तौर पर स्वीकार करता हूं कि ब्रिज अगर पुराना है तो उसकी मरम्मत होनी चाहिए, बड़ा। सर, अब स्वीकार करने से क्या होता है? एक्शन तो पहले ही हो जाना चाहिए था। प्रशासन से क्यों? जब पता है बीमारी क्या है तो उसका इलाज पहले ही हो जाना चाहिए था। बीमारी ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि मरीज तो मरने की तैयारी में है, यार मरीज तो अपनी जान भी गंवा चुका है। हम बात को समझने का प्रयास करें, यह ब्रिज गिरने के कारण हादसा हुआ है क्या? नहीं, यह अफवाह फैलाने के कारण, वहां पे जो भगदड़ मची उस भगदड़ के कारण हुआ है। इस बात को हम सब, ये सत्य बात है, ये कोई मिथ्या नहीं है। तो सत्य बात तो ये भी है ना कि अगर ब्रिजों की मरम्मत की जाती और लोगों की आवाजाही के लिए एक अच्छा ब्रिज होता या लोगों की आवाजाही के लिए सुविधा होती तो शायद ये हादसा भी ना होता। उसके बाद तो ढेरों कयास लगाए जा सकते हैं कि हाँ किसी का पैर फिसला और किसी ने अफवाह फैलाई, लेकिन हाँ एक मूलभूत सुविधा जो एक इंसान को, एक आम आदमी को देनी चाहिए, उसके लिए जो सरकार या प्रशासन है वो यहाँ पर पूरी तरह फेल हुई है।
ने आपका जो पूर्ण वाक्य है उसमें का आधी जो बात है मैं बिल्कुल सत्य मानता हूँ उस बात को कि निश्चित तौर पे आज़ादी के बाद कई वर्षों के बाद भी हमारे मुंबई जैसे शहर को सीढ़ियों पे से बुजुर्ग आदमियों को चढ़ना पड़ता था जो पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में अब एस्केलेटर लगे हैं, बहुत सारी सुविधा आई हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाई गई है, पहले प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कम थी इस कारण लोगों के एक्सीडेंट हो रहे थे। आज भी पीयूष गोयल जी मुंबई में जो आए थे वो 100 नई ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो ये सारा का सारा विकास का कार्यक्रम है। अब ये धीरे धीरे होगा, अब जो पुराने ब्रिज है कोई नहीं चाहेगा कि पुराना ब्रिज वैसा ही रहे, वो तो नया बनना चाहिए। तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये सारा विकास का कार्यक्रम हमारी सरकार की ओर से अच्छे से करने की हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अभी भी प्रयास कि इस बात की बुनियादी बात न समझते हुए कांग्रेस के नेता है, सेना के नेता इस बात की सियासत कर रहे हैं। बाबूराम माने जी, इसमें सियासत तो खोजा जाना इस वक्त काफी दुखद बात है, क्योंकि मुंबई में सिर्फ ट्रेनों की हालत या फिर फुटओवर ब्रिज की हालत, सड़कों की हालत भी बहुत ज्यादा बुरी है। बारिश होती नहीं कि सड़कों के गड्ढों में लोगों की जानें चली जाती है, और ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। और उसमें अगर हम सियासत की बात करें वो बहुत ज्यादा बेमानी हो जाती है। हकीकत ये है कि एक मुंबई वासी को क्या जीने का अधिकार है भी कि नहीं है, क्या उसको मूलभूत सेवाओं का, अधिकारों का कि जरूरत है भी कि नहीं है, और हर कोई मुंबई का आजकल यही सवाल पूछ रहा है। देखिए हमारे मित्र, इस हादसे की इंक्वायरी हो जाएगी और रिपोर्ट आ जाएगा, इस तरह की जो बात कर रहे हैं वो बहुत दुर्घटनापूर्व बात है। हम तो ये कहना चाहते हैं दुर्घटना किस तरह से हुई है, किस कारण हुई है, ये सारा रिपोर्ट मुंबई के लोगों ने, सारे जनता ने देखा है। देखो इस ब्रिज को चौड़ा करने का प्रस्ताव बरसों से रखड़ पड़ा है, और यही ब्रिज के साथ, यही ब्रिज का केवल प्रस्ताव नहीं है, इनके साथ मुंबई के 8 ब्रिज का प्रस्ताव दिल्ली में भेजा है, लेकिन इस प्रस्ताव के मंजूरी के तौर पर देखने के लिए किसी को भी समय नहीं है। अगर यह प्रस्ताव सही समय के ऊपर यह ब्रिज चौड़ा हो जाता था तो यातायात खुला हो जाता था, लोगों को आना जाना सुविधाजनक होता था। ये केवल ये सरकार की विफलता है, ये सरकार के, इस सरकार ने इस ब्रिज की ओर सही ढंग से देखा नहीं, इस सुविधा को देखा नहीं, और इसके कारण यह बाबूराम माने जी, बाबूराम माने जी पहले तो कौन सी सरकार की बात करें, राज्य में तो आप भी उनके साथ हैं जिम्मेदार, और यहाँ पर अगर हम लोगों की मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो सिर्फ रेल की बात नहीं कर रहे हैं, सड़कों की भी बात करें, सड़कों के गड्ढे तो अब तक भरे नहीं। बाबूराम माने जी जरा सुनिए, सुनिए, आप सुनोगे तो आगे का सवाल पूछने का कष्ट आपको नहीं होगा। देखिए हम सरकार में है फिर भी जनता के साथ रोड के ऊपर उतर कर हम मोर्चा निकाल रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमारे संसद ने इस विषय के ऊपर कई बार, बाबूराम माने जी जिन सड़कों पर आप मोर्चा निकाल रहे हैं ना उनमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोग अपनी जान गंवा देते हैं उसमें। संसद ने कई बार, सुनिए जरा, आप सुनते नहीं हो, कई बार संसद में हंगामा किया है हमारे सांसद ने, और कई बार इस विषय में आवाज उठाया है, लेकिन सरकार सुनने तैयार नहीं है। ये केंद्र सरकार आज पूरी तरह से राजनीति में उनका पूरा समय जा रहा है, और जनता इस तरह का आज मार खा रही है, और इसके कारण ये, इसको जिम्मेदार केवल केंद्र सरकार है, उनका रेल डिपार्टमेंट केवल, मतलब सड़कों के गड्ढे का काम बीएमसी का नहीं है बाबूराम माने जी, सड़कों को गड्ढे के गड्ढों को भरने का काम बीएमसी का नहीं है बाबूराम माने जी। देखो कम से कम 12-13 एक्सीडेंट गए 6 महीने के अंदर हो गए, इसका मतलब केवल, आपको पता है सड़कों के गड्ढों में गिरने से मुंबई के कितने लोगों की जान गई है। कारोबार बदलना जरूरी है, और ये कारोबार बदलने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है, केवल टाइम पास करने वाली ये सरकार केंद्र में। बाबूराम माने जी सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार मुंबई की बदहाली के जिम्मेदार है, और इसके लिए कोई भी पार्टी शायद सीरियस अब तक तो नजर आ नहीं रही है। नवाब मलिक साहब, जो मूलभूत सुविधाएं मुंबई वासियों को मिलनी चाहिए, आप भी तो मुंबई में रहते हैं, आपको भी तो दुख होता होगा, आपको भी तो दर्द होता होगा। देखिए ऐसा है कि मुंबई की जो उपनगरीय रेल सेवा है
उसकी क्षमता 5 से 8 लाख लोगों को ढोने की है। आज 80 लाख 10 गुना ज़्यादा उस रेल सेवा में लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आज दुर्घटना हुई है वो 100 साल पुराना पुल है। दिन में 3 लाख लोग आज उससे गुजर रहे हैं जबकि वहाँ पे 3,000 की क्षमता है। तो कुल मिला के जो परिस्थिति है ओवरलोड है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसकी वजह से हर दिन 10 लोग रेल से गिरते हैं, कहीं ना कहीं पटरी पे मरते हैं। तो ये ओवरलोड जो है पूरी तरह से ये डीकंजेंशन किए बिना समस्या ख़त्म नहीं हो सकती। अब डीकंजेंशन का कार्यक्रम MUTP 1 MUTP 2 के तहत इस पर बहुत हद तक काम हुआ, लेकिन जिस तरह से मूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है वो आज उस तरह से काम नहीं हो रहा है। इसमें रेल प्रशासन का जो अपना काम करने का तरीका है, कोई प्रस्ताव हो तो जांच करने में, प्रस्ताव तैयार करने में 10 वर्ष लगे, मंजूरी मिल जाए तो काम पूरा करने में 10 वर्ष लगे। तो इस तरह से हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तुरंत निर्णय लेना, मतलब रेल प्रशासन के कामकाज पर आप कह रहे हैं कि उनको और दुरुस्त होने की जरूरत है, उनको और ज्यादा इसमें गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी फैसले लेना और जल्दी से जल्दी वो काम जो भी प्रोजेक्ट ले उसे पूरा करना। लेकिन ऐसी बातें विपक्ष में बैठ के ही क्यों याद आती है सर? एक उदाहरण नवाब मलिक साहब, ऐसी ऐसा दर्द और ऐसा दुख विपक्ष में बैठ के आप मुझे बोलने दें, आप मुझे बोलने दें प्लीज। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कुरला में एक सबवे बनना है फुट ओवर की जगह, उसका उद्घाटन जो है भूमि पूजन मनोहर जोशी साहब स्पीकर दे तब किया गया। 15 साल हो गए अभी तक वो कार्यान्वित पूरी तरह से हो नहीं पाया। अब ये क्षमता जो है प्रशासन की काम करने की शैली, अगर एक सबवे बनाना जिससे कि कम्यूटर्स जाएंगे 15 साल में नहीं पूरा हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं काम करने की जो शैली है उसमें बदलाव नहीं आएगा तो पूरी तरह से जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा रहा है। अब आप कहते हैं कि आप सत्ता में नहीं है तो बात कर रहे हैं, हम जब सत्ता में थे तब भी हमने प्रशासन के लेट लतीफी पे बार बार सवाल उठाए हैं। ठीक है पिछले सरकार के कार्यकाल में MUTP 1 MUTP 2 से कुछ हद तक काम किया गया, लेकिन आगे और बहुत कुछ करना है और लेट लतीफी का जो एक तरीका है वो बदलेगा नहीं तो हालत नहीं बदलेंगे। ठीक है, हमारे साथ राकेश चोपड़ा जी फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड और चंद्रशेखर प्रभु जी टाउन प्लानर भी जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप जी आपके पास आए, उससे पहले राकेश चोपड़ा जी आपके पास आना बेहद जरूरी हो जाता है। रेलवे के काम करने का तरीका या रेलवे प्रशासन के तमाम जो कदम है उन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। रेलवे के जर्जर पुल, लोकल ट्रेनों में भारी भीड़, रेलवे पर ट्रैक पर पानी भर जाना, लोगों की मौत हो जाना, जो आज हादसा हुआ है, कौन जिम्मेदार है सर उसका, कहां चूक हुई? देखिए ऐसा है जी कि आपने 3-4 चीज़ें इकट्ठी पूछ ली, ट्रैक्स के ऊपर पानी भर जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर की सबर्बन एरिया में एक्सपेंशन ना होना और आज का जो किस्सा है। तो मैं पहले आपको पहले दोनों का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं जो आज हुआ है उस हादसे के ऊपर मैं आपको बता दूंगा। रेलवे मुंबई के अंदर जो है, मुंबई के अंदर ये बीचों बीच है आइलैंड के अंदर, और जो पानी आता है वो जो है वहाँ से निकास उसकी होकर समुद्र में जाती है, ये वहाँ का प्रोसीजर है सारा का सारा। अब जब अगर बारिश हो जाती है और नाले भर जाते हैं तो नाले जो है यार्ड्स, सारे मुंबई सबर्बन यार्ड्स के थ्रू नाले लगे हुए हैं, ये बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, और ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ये बहुत बहुत पहले सेंचुरी पहले का बना हुआ है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स बहुत हुई हैं। मगर अगर वो पानी जो इकट्ठा हो जाता है निकलने के लिए, जो सड़कों के ऊपर पानी है वहाँ नहीं निकलता, और अगर बाय चांस आपकी हाई वेव हो जाती है, हाई टाइड हो जाती है, तो पानी बिल्कुल निकास नहीं होता है। तो ये खाली रेलवे का ही नहीं, ये सारे मुंबई की ही प्रॉब्लम है। इसका हल जो है ये BMC को करना पड़ेगा। रेलवे जो है ये तो खाली उसमें सफर कर रही है। दूसरा जो है मुद्दा था इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैक का, जैसे आपने कहा कि 3 गाड़ियों से हमने 15 इतने पब्लिक जा रही है। अगर पब्लिक जा रही है तो जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर किसका हिस्सा है? इसमें गवर्नेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की और रेलवे की मिल के होनी चाहिए। इसके अंदर ना लैंड मिलता है रेलवे को वहां पे, वो लाइनें कहां पे बनाए? अभी जो MUTP 1 MUTP 2 की बात हो रही है वो आप देखिए, आप हवा में जाना पड़ रहा है हमको,
और वो यार्ड्स के अक्रॉस जाना पड़ रहा है, ये बन जाएंगी, इससे फर्क पड़ेगा। मगर जरूरी ये है कि अगर मुंबई के अंदर और जमीन होती या अंडरग्राउंड टनल, अब पहली बार जो है हाई स्पीड के लिए इन्होंने प्रपोज करा है कि समुद्र की तह से और नीचे से टनल जाएगी, ऐसी कुछ टनल जो है ये साउथ से नॉर्थ तक बने तब तो बात भी है उसके अंदर। अब जो लास्ट मुद्दा है जो आज सुबह हुआ वो बहुत ही दर्दनायक है, और पहले तो मैं उन सब फैमिलीज को कंडोलेंसेज अपने कन्वे करता हूं। मेरा उसमें ये सोचना है वो बिल्कुल जो है वहां पे जमघट हुआ था उस कारण वो सारा का कुछ हुआ है। हाँ, ब्रिज जो है उसकी विड्थ छोटी है, वो 106 साल पुराना ब्रिज है और इसकी प्रपोजल्स गई हैं। मैं ये मानता हूं कि ये प्रपोजल्स जो है पहले भी गई होंगी, मगर पिछले 3-4 वर्ष के अंदर बहुत सी प्रपोजल्स गई हैं, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ? ये जो है ये मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट होना चाहिए था। और हमको मालूम है कि पहले जब ये ब्रिज बना था वहां पे करीब 7-6 लाख से भी कम लोग साल दिन में ट्रैवल करते थे, आज 70-80 लाख के करीब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। उसकी जो वॉल्यूम है जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसमें खाली विड्थ ही नहीं, उसकी जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है ये तो आपको जो है देना पड़ेगा आपको कि ये जो बनाया गया था उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना था कि आज का लोड भी ले रहा है वो। तो इसके लिए ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि ये ब्रिजेस जो हैं इनको हमें नए ब्रिज बना के इनके साथ में इनके ऊपर लोड कम करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। जी जी जी, इस तो जमघट हुआ है। जमघट क्यों हुआ? क्योंकि बारिश भी पड़ गई वहां पे, 4 गाड़ियां भी आ गई वहां पे और इतने सारे लोग उतर के ब्रिज के ऊपर चढ़ भी रहे और स्थिति जस की तस बनी हुई है जो आज से कई साल पहले थी। बिल्कुल राकेश जी, जीआरपी तैनात होती है, कहां चले गई थी आज? बिल्कुल बिल्कुल सर, अखिलेश जी आपके आपसे राय ले और चंद्रशेखर प्रभु जी आपसे भी इस पर जानकारी लें। उससे पहले एक जानकारी तुरंत अपने दर्शकों को दे दे, सामने जानकारी ये आई है कि ये जो पुल है कमजोर है, दोबारा बनना चाहिए। इसको लेकर शिवसेना सांसद ने 2015 और 2016 में रेल मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत और राहुल शिवाले ने इस ब्रिज को 12 मीटर चौड़ा करने की मांग की थी। हालांकि बाद में इस पुल की मरम्मत के लिए 12 करोड़ रुपए लगभग सैंक्शन भी हो चुके थे और इस पुल को एक्सटेंडेड करने का भी प्लान था। तो आखिरकार समय पर काम क्यों नहीं हुआ और ये जो फाइल है वो दबी की दबी क्यों रह गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाबूराम माने जी ये आपसे जवाब जरूर लेंगे, लेकिन अखिलेश प्रताप जी अब किसकी जिम्मेदारी है? और जैसा कि राकेश चोपड़ा जी भी कह रहे थे, समय बदलता चला गया, सरकारें बदलती चली गई, लेकिन पुल वही है और स्थिति वही है मुंबई की। देखिए, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे भाजपा के साथी ने पहला आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के समय का प्रशासन है रेलवे का, उस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। ये वर्ड कोट अनकोट में बता रहा हूँ, उन्होंने यूज किया। वो ठीक वही शब्दावली बोल रहे हैं जो माननीय मोदी जी बोलते हैं कि 70 सालों में देश कुछ नहीं हुआ, 40 महीनों से इनकी सरकार है, प्रशासन कांग्रेस का है और दोष कांग्रेस का है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, ये पुल जितना चौड़ा होना चाहिए या जितना लोड, जितने बीच में ना बोले प्लीज, सुन लें, जो इस पुल के समस्या क्या थी कि ओवर ट्रैफिक इस पुल पे था। इस ओवर ट्रैफिक को कम करने के लिए कई सांसदों ने पत्र लिखा था। अभी इसके पहले इसी जी टीवी पे 5 बजे के बहस में हमारे भाजपा के प्रतिनिधि महोदय थे, वो सांसद भी थे जिन्होंने पत्र लिखे थे, उनके लोग थे। जानकारी ये आई कि उनके पत्र पे मुंबई शहर के रेल मंत्री प्रभु जी तुरंत जवाब दे देते हैं कि शॉर्टेज है फंड की, ये नहीं हो पाएगा, ये उनको रिप्लाई मिला था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई मिनिस्टर किसी एमपी के पत्र को 21 आधार पे लिख के दे दिया कि ये नहीं हो पाएगा, जब तक उसके नीचे ऑफिसरों को भेज करके उनके लोगों का एस्टिमेट ना मंगा करके उसकी जांच न कर ले। कोई अगर एमपी का लेटर है तो वो एंड तक जाना है उस लेटर को अपने लेवल पे कोई मिनिस्टर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। रूल्स ऑफ बिजनेस में ये है, उस पे एस्टिमेट आना चाहिए था, उस पे फिर उसके फंड की बात होनी चाहिए थी। अगर फंड नहीं होता तब वो पत्र जाता। 12 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो चुके थे, भेज दिया गया। तो ये नहीं, इस पे नहीं सैंक्शन हुए थे क्योंकि वो लेटर जो इसके पहले बैठे थे ये शिवसेना के, उन्होंने बताया था कि जवाब आता है कि बहुत अच्छा सुझाव आपका, लेकिन फंड की कमी है, नहीं हो पा रहा है।
ये उनके पास रिप्लाई था, ये पता ना कब सैंक्शन हुआ था, हुआ था तो फिर बना क्यों नहीं, अगर हुआ था तो बना क्यों नहीं दूसरा ब्रिज या इसको चौड़ा क्यों नहीं किया गया। बात यही है कि यह जो बीजेपी की सरकार है, खासतौर से हम रेल मंत्रालय की बात करें, आप याद करिए इनका पहला रेल बजट क्या क्या इन्होंने बोला था, फुट ओवर ब्रिज हमारे प्रायोरिटी पे हैं, जो हमारे नो मैन क्रॉसिंग्स हैं वो हमारे प्रायोरिटीज पे हैं, हमारे पास इन्हीं के मंत्रालय की रिपोर्ट है, इन्हीं के मंत्रालय की रिपोर्ट है जो फैक्ट शीट आती है हर साल, 1000 भी नो मैन लैंड क्रॉसिंग 3 साल में बनाम नहीं किया इन्होंने, पता नहीं क्या क्या बोला था, स्टेशन बनाएंगे, मॉडल स्टेशन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और इतना ट्रेनें लेट चलती हैं, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार इसके बाद क्या, तो इस सरकार की आगे देखिए, ठीक है अखिलेश जी, आपके पास फिर से आते हैं, जनप्रतिनिधि एक सेकंड जनप्रतिनिधि याद दिला रहे हैं मिनिस्टर को, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनप्रतिनिधि अपना कर्तव्य कर रहे हैं, मिनिस्टर को चेत नहीं है, फिर कौन चेतेगा, कौन बनाएगा, आज ये हादसा अगर जनप्रतिनिधियों की बात, जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं, मिनिस्टर को आगाह करने के लिए, अगर उनकी बात को गंभीरता से लिया तो जी, आपने अपना पॉइंट रखा, आपने अपना पॉइंट रखा, लेकिन चंद्रशेखर प्रभु जी से ये एक्चुअली पॉइंट लेना बेहद जरूरी हो जाता है, वो टाउन प्लानर है और मुंबई को बेहतर ढंग से समझते हैं। चंद्रशेखर प्रभु जी, बहुत ही दुखद हादसा हुआ, 22 लोगों की जान गई फुट ओवर ब्रिज गिरने से, कहां पर कमी है, क्या किया जाना चाहिए था स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहां पर हम चूक खा रहे हैं? देखिए हर जगह पे चूक खा रहे हैं, पहले तो इस हादसे के बारे में मैं बताऊंगा और फिर जनरल टाउन प्लानिंग के हिसाब से क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगा। पहली बात तो जो रेलवे बोर्ड के मेंबर कह रहे हैं कि भाई पानी क्यों गिरता है और क्यों वहां पे रेलवे ट्रैक पे आता है और कैसे उसका निकालना, ये इतिहास तो सबको पता है, 100 साल से ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन हर साल आप बताते हैं कि इसके लिए पैसा दिया हुआ है और हर साल पानी वहां पे जम के रहता है, उसका कारण वो बता नहीं सकते हैं। बस इतिहास में जाके आप हिस्ट्री दोगे या थियरी दोगे कि पानी क्यों जमता है, वो थियरी तो कोई भी दे सकता है, लोगों को तकलीफ होती है, वो तकलीफ का हल करने के लिए आपने क्या किया, ये कोई रेलवे बोर्ड से कोई बताया नहीं गया। अब रही ये बात परेल और एल्फिस्टन रोड स्टेशन की, एक जमाना था कि जब बॉम्बे में 54-56 मिले चलती थी टेक्सटाइल की, जब टेक्सटाइल मिले चलती थी तो टेक्सटाइल मिल के एम्प्लॉई जो है उसके मिल के इर्द गिर्द रहते थे, इसके लिए एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन पे ज्यादा बोझ नहीं था। जब ये सारे मिल 1982 में बंद हुए, उसके बाद में इनकी जमीनें बेचने के लिए बिल्डर और मिल मालिकों को गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, जब परमिशन दिया उस समय में इनको मालूम होना चाहिए था कि मिले बंद हो चुकी है, 900 एकड़ जमीन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आ रही है, ऑफिसेस आ रही है, इसका मतलब पूरे बंबई का ट्रैफिक जो है वो एल्फिस्टन रोड और परेल स्टेशन में आएगा जो पहले नहीं आता था। इसलिए ज्यादा ध्यान इन रेलवे स्टेशनों पे देने की जरूरत थी, और ये पता चला कि पहले के मुकाबले कम से कम 40 गुना लोग इस स्टेशन पे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह में जहां पे एफएसआई एक था वहां पे ये मिल की जमीनों पे 2.5 FSI 3 FSI कहीं पे 3.5 FSI कहीं पे पार्किंग देकर 4 FSI यानी मुंबई के ऊपर मुंबई उसके ऊपर मुंबई ऐसे दुगनी तिगनी जो कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी उसके हिसाब से इन रेलवे स्टेशनों पे जो फुट ओवर ब्रिज था उसको बढ़ाना बहुत जरूरी था। और ये 15 साल से हम लोग कहते आए हैं, हर रेलवे मिनिस्टर को बोलते आए कि एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ सोचिए, लेकिन रेलवे से कोई सोच इसमें नहीं होती, इसका जवाब भी दिया हुआ है, उसका हल निकालने के लिए पूरा मास्टर प्लान भी बनाया हुआ है, कमला रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के आर्किटेक्चर प्रोफेसर्स ने मिलकर
एल्फिंस्टन रोड और परेल रेलवे स्टेशन का मास्टर प्लान बनाया और उसमें पहली चीज ये बताई है कि ये फुटओवर ब्रिज आपको चेंज करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, कम से कम 12 मीटर का करना पड़ेगा, 6 फुट का ब्रिज चलेगा नहीं, क्योंकि एक जमाने में जितने लोग परेल या एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पे आते थे उससे 40 गुना लोग आज आ रहे हैं और सारे ही एक समय में सवेरे आठ से लेकर 10 के बीच में। बिल्कुल चंद्रशेखर प्रभु जी, बार बार सचेत किया गया था, एक प्रॉपर प्लान दिया गया था, उसके बाद नहीं हो पाया, नहीं किया। बिल्कुल तो रेलवे पूरी तरह से जिम्मेदार है, रेलवे मिनिस्टर के फंक्शन जो एडवर्टाइजमेंट दिए हुए अखबारों सर सर बिल्कुल ये हम एक्चुअली प्रशासन से बात जानेंगे। जो पॉइंट्स आपने रेज किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चंद्रशेखर प्रभु जी आपने रेज किए हैं। राम कदम जी आपके पास आएंगे और उसके बाद राकेश चोपड़ा जी आपसे भी जानेंगे क्या किया जाना चाहिए था, लेकिन आरएसएन सिंह जी आपसे व्यू पॉइंट इस पर लेंगे। मुंबई महानगरी सबसे ज्यादा टैक्स वहीं पर पे किया जाता है, क्या मुंबई के लोग ये डिजर्व करते हैं? देखिए पहले तो मैं ये बता दूं, आप लोग गलती से चला रहे थे, मैं रॉ चीफ नहीं था, मैं आर्मी में कर्नल था और रॉ में मैं डिपुटेशन पे था। Right, और दूसरी बात कि मैं एक ऑथर ऑफ स्ट्रेटजिक अफेयर्स ऑथर और स्ट्रेटजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हूं। हर सरकारी मुलाजिम ऑथर और स्ट्रेटजिक अफेयर्स एक्सपर्ट नहीं होता है। उस हैसियत से मैं सबसे पहले तो मैं अपनी शोक और संवेदना जाहिर करना चाहता हूँ। दूसरी बात है, एक सुरक्षा विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपको बता दूं कि ये जो महीना जो मैंने देखा है 2005 से लेकर अभी तक, ये जो दशहरे का ये अगस्त सितंबर और अक्टूबर, इस महीने में मैंने ये र्यूमर से स्टैम्पीड की कई घटनाएं आपको की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखो 2005 में ऐसे ही र्यूमर में एक पटना में स्टैम्पीड हुआ दशहरे के टाइम में, 34 लोग मारे गए। उसके बाद 2008 में चामुंडा मंदिर जो है वहां पे ऐसे ही र्यूमर का वो किया गया और उस स्टैम्पीड में करीब 224 लोग मारे गए। उसके एक महीना पहले अगस्त में ही ये हिमाचल में नैना देवी मंदिर में स्टैम्पीड हुआ, वो भी ये र्यूमर मॉन्गरिंग से हुआ। 2012 में रत्नागढ़ नाम के ये मध्य प्रदेश में वहां पर ऐसे ही एक ब्रिज पे ऐसे र्यूमर बॉम्ब वहां पे यूज किया गया और उससे 94 लोग मारे गए। और 2012 में इसी समय आपने देखा होगा कि जो आजाद मैदान में जो कुछ भी हुआ था जिसमें 45 हमारे पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। तो ये एक देखिए र्यूमर, ये जो एक तो ये मौसम ऐसा होता है कि बड़ा आसानी होता है ये कैजुअल्टीज अचीव करना र्यूमर बॉम्ब से, और दूसरा ये एक ऐसा पीरियड होता है जबकि आप मैक्सिमम कॉन्ग्रीगेशन जो है आप इसको अचीव कर सकते हैं इसमें। और मैं आपको बता दूं ये तरीका बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और दहशतगर्दी तंजीमें करती हैं। अभी ट्यूरिन में चैंपियंस लीग के दौरान भगदड़ मच गई, 1000 लोग घायल हुए, वो भी र्यूमर मॉन्गरिंग था। और ये र्यूमर मॉन्गरिंग क्यों सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जब ये दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं तो लोगों में एक एप्रिहेंशन हो जाता है। आप छोटी सी एक आप अफवाह फैला दे कि यहां पर बॉम्ब है, लोग क्योंकि उन्होंने ऐसे दृश्य देखे हैं तो उनको ये लगता है कि सचमुच में कुछ होने नहीं। मेरी बात ये सुन लीजिए। और एक चीज मैं आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बात पे ध्यान दीजिए, यहां पर मेन फेलियर हुआ है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ पीपल। वहां पर चाहे देखिए कहीं सबवे तंग होता है, कहीं पर पुल तंग होता है, लेकिन अगर आप उसको रेगुलेट करें तो यह हादसा नहीं होता। वहां पर क्या हुआ है कि आप खुद जो विजुअल्स दिखा रहे हो उसमें साफ जाहिर है कि लोग बारिश से बचने के लिए वहां पर ये वो खड़े थे। मैं मानता हूं कि आप उसको चौड़ा कर दें तो कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसको वो सॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने अपना पॉइंट रख लिया सर, बाकियों की राय लेना इसमें जरूरी हो जाता है। बाबूराम माने जी, ये क्योंकि जिस चिट्ठी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इस पुल को लेकर शिवसेना सांसद ने 2015-16 को रेल मंत्रालय को पत्र लिखा था, बताइए
क्या लिखा था पत्र में, कितना सैंक्शन हुआ था और उस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? देखिए मुंबई के नवाब मलिक जी आपके पास आ रहे हैं बस। मुंबई के कम से कम, हाँ मुंबई के 8 स्टेशन के ब्रिज को चौड़ा करना जरूरी है, इस तरह का पत्र हमारे सांसद ने रेल मिनिस्टर को लिखा था और रेल मिनिस्टर ने पैसे के विषय में, निधि के विषय में कुछ बात कही थी, लेकिन उसके ऊपर हमारे सांसद ने यह भी कहा था पैसे अगर कमी है तो हमारे निधि में, यानी सांसद का जो फंड होता है उस फंड में से हम पैसा देने के लिए तैयार है, इस काम के बढ़ावा को शुरुआत करो, इस तरह का बात हुआ था। लेकिन अभी तक 8 ब्रिज के प्रस्ताव दिल्ली में पड़े हैं, 1 के भी ब्रिज के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। ये अभी नई रोज नई बात ये सरकार कर रहे हैं, बुलेट राम कदम जी कब सुनवाई करेंगे अब? लेकिन जो राम कदम जी कब ये फाइलें ऐसे ही दूर फांकते रहेंगे और ऐसे ब्रिज गिरते रहेंगे, उस सुविधा की ओर ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसके कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं। यहाँ पर स्वाति जी, यहाँ पर दोनों तरफ से शिवसेना के नेता ढोल बजाने में वाकिब है। अब आप ही ने यहाँ पर बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि 12 करोड़ रुपए ब्रिज के लिए सैंक्शन किए गए हैं और प्रशासन की ओर से वो काम अभी भी पेंडिंग है। अभी ओ होने के बाद बावजूद भी शिवसेना के नेता इस प्रकार से इस मुल्क के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे वो कतई लोगों को मंजूर नहीं है। घटी हुई दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, तो हम इसको बड़ी संवेदनशील तरीके से इस विषय पर चर्चा करें। हम भी चाहते हैं कि धीरे धीरे सभी ब्रिजेस का पुनर्निर्माण होना चाहिए। जहाँ पर आवश्यकता थी बुजुर्ग चढ़ नहीं पाते थे वहाँ पर हमने एस्केलेटर दिए, जहाँ पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ठीक नहीं थी वहाँ की प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ये सरकार आते ही तुरंत वहाँ पर कर दी। आज 100 नई लोकल ट्रेन हम मुंबई के शहर के लोगों को दे रहे थे। एल्फिनस्टोन ब्रिज कैसे गिर गया सर? यातायात पे ये हादसा कैसे हो गया सर? वही अभी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे स्वाति जी, जांच के पश्चात तथ्य सामने आएंगे। 12 करोड़ रुपए सैंक्शन सरकार ने किए थे या आप स्वयं कह रही है? यदि मैं कहता तो मेरी बात को सामने से शिवसेना के नेता उस बात को असत्य कहते। ठीक है अखिलेश जी उस बात को असत्य कहते। अब मुंबई शहर छोड़ के कहीं और बैठे कांग्रेस के नेता, वे तो बैठे ही सियासत करने के लिए। अच्छा मतलब 3 साल में इस ब्रिज की जो अखिलेश जी प्लीज, 3 साल में 3 साल केवल एक मिनट आप मेरा केवल एक साल की बात कर रहे हैं, 7 साल की बात, 3 साल की बात कर रहे हैं आप? आप 70 साल की बात करते हो, 3 साल पे कहां आ गए? 170 साल में कोई काम नहीं हुआ, सब कांग्रेस दो मिनट के लिए हिसाब हो गया 70 साल में, केवल एक हो गया 70 साल में। सुनिए केवल एक विधान सुनिए, हो गया सुनिए, यहां पर राष्ट्रवादी के नेता 70 साल में सब आता है। सुन लिया, अब सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। जो भी 12 करोड़ का इस फुट ओवर ब्रिज की बात बता रहा है, मुझे नहीं लगता कि यह तथ्य सही है, क्योंकि 12 करोड़ रुपए में नदियों पे 150 से 200 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा कंक्रीट का पुल बन जाता है और इस पुल के लिए अगर 12 करोड़ रुपए कहा जा रहा है फुट ओवर ब्रिज को मरम्मत के लिए, तो ये कहीं ना कहीं नहीं मैं कंफर्म बता रहा हूँ ये सूचना गलत है। इफ और बट में चर्चा नहीं हो सकती, आपकी सरकार जांच के बाद जब तथ्य सामने आएंगे तब कांग्रेस के नेता इस विषय पर बात करेंगे। आगे की बात कर ले, देखिए सर अब थोड़ा आगे की बात गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। स्वाति कितना अलॉट हुआ, कितना सैंक्शन हुआ, उसमें पढ़ने के बजाय ये समझना जरूरी हो जाता है कि अब क्या किया जाना चाहिए, कैसे चर्चा हो। मैं वही कह रहा हूँ अखिलेश जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मुझे राकेश चोपड़ा जी चंद्रशेखर प्रभु जी के पास पूरी कर रहा हूँ जी बात कीजिए पूरी। सारा मुद्दा एक पॉइंट पे है, मेंबर पार्लियामेंट उस इलाके का अपने रेल मिनिस्टर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और रेल मिनिस्टर उसी जिले के उसी जगह के और वो रिक्वेस्ट कूड़े के डस्टबिन में डाल दिया जाता है, दोषी कौन है? बड़ा स्पष्ट है। ठीक है जो प्रतिनिधि है उसका क्या काम है जी? वो अब बता नहीं सकते, इसमें जांच क्या है, किस बात की जांच है?
ये मिनिस्टर के ऊपर गैर यातन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो अगर इस उचित पत्र को गंभीरता से लिए होते, अपने अधिकारियों को डायरेक्ट किए होते, इस्टीमेट मंगाए होते, 2-3 करोड़ से ज्यादा का इसमें बजट नहीं लगता, जो मैं जानता हूं, जितना हम लोग भी जनप्रतिनिधि है जानते हैं कितने में कितने कास्ट आती है, नया बनाना होता था 5-7 करोड़ बन गया होता। तो ये उनकी लापरवाही है और सरेआम लापरवाही है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सवाल भी आज का ये कि आपके मुंबई के साथ क्या सौतेला व्यवहार हो रहा है, सवाल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना राकेश चोपड़ा जी। ठीक है ठीक है, नवाब मलिक जी बस हमें 2 मिनट दे दीजिए, आपके पास आते हैं। ठीक है राकेश चोपड़ा जी, राकेश चोपड़ा जी, अभी भी मुंबई के कई ऐसे पुल हैं जो जर्जर हालत में हैं और बहुत सारी स्थिति है जो कि काफी गंभीर स्थिति में काफी गंभीर स्थिति है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए मैं जो सिंह साहब ने कहा और प्रभु जी ने कहा उनसे बिल्कुल सहमत हूं, और सिंह साहब ने खुद ये बताया और बिल्कुल सही बात है कि ये पुल जो है इनमें टाइम लग सकता है, पैसा चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, ये तो है लॉन्ग टर्म। इमीडिएटली हमें स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये, जैसे गवर्नमेंट रेलवे पुलिस एल्फिनस्टोन रोड के ब्रिज के ऊपर भी रोज आते थे वहाँ पे, और जो ट्रैफिक जाने वाला था पुल पे, चढ़ने वाला उतरने वाला, उसको चैनलाइज करके लगाते थे। आज सुबह बारिश हुई, वो लोग आए नहीं और ये घटना घटी, स्टैम्पीड वाला घटना घटी, बारिश में भी उनको आना चाहिए था। मेरा खाली यही निवेदन है कि जितने ये 8 ब्रिज हैं, 8 ही नहीं है और भी हैं, ये जब आप हार्बर लाइन पे जाएंगे उस तरफ भी बहुत ब्रिजेस ऐसे हैं, जो ये ब्रिजेस हैं इनके ऊपर लोकल पुलिस के जो लोग हैं या जो सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं, जो भी हैं वो संस्थाएं वहां पे जाके चैनलाइज कर दे ट्रैफिक को। तो जब तक ये नया ब्रिज नहीं बनता ये रास्ता में अपनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर ये हम वाइडन करना चाहते हैं तो इसके लिए जमीन जो है वो बीएमसी से लेनी पड़ेगी, या उसके आसपास किस तरीके से इसको उतार के इनको सारे ट्रैफिक को एकदम फ्लो कैसे करा जाए। ये सही है कि यहाँ के परेल और एल्फिनस्टन रोड के प्लान्स बने हुए हैं, तो वो प्लान्स अगर बने हुए हैं तो उनको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ऐसे ही दूसरे जो 7 स्टेशन 8 ब्रिज बचते हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी सर। आखिरी बात जो है वो है पानी की, जो प्रभु जी ने उठाई थी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हाँ, बल्कि यहाँ पे ऐसा है कि बीएमसी और रेलवे हर वर्षा के पहले नाले साफ करती हैं, मगर मैं उनको इतना बताना चाहता हूँ कि नाले हैं, ड्रेन्स हैं, मगर उनका जब सफाई करने के बाद आउटलेट होता है जो डाउनस्ट्रीम में है वो बिल्कुल क्लीन नहीं हो पाता, भरा हुआ रहता है और पीछे से भी सिल्ट आती है, भर जाती है। ये जो है दिस इज ये हकीकत है, मैं वहां पे काम कर चुका हूं, सब बारिशों में खड़ा होके करवा चुका हूं, मुझे पता है कहां से सिल्ट आके फिर भर जाती है 2 दिन के अंदर। तो ये हमें कार्यक्रम ये सारे के सारे करने पड़ेंगे, अगर हम हर को अच्छी तरह से करेंगे तो इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं जब तक नया नहीं बनता। बिल्कुल सर। चंद्रशेखर प्रभु जी, आप तो कह रहे हैं कि प्लानिंग तो पहले भी बहुत कुछ की जा चुकी थी लेकिन हालात सुधरे नहीं, अब ये जानना चाहेंगे कि आगे हालात क्या सुधरे, उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? नहीं नहीं, 2 या 3 बातें साफ है कि मैं खुद वहां पे था आज सवेरे, हादसे के तुरंत बाद लोगों से मैंने बात की, कोई ऐसी अफवाह अफवाह के वजह से ये हादसा नहीं हुआ। ये हादसा इसलिए हुआ कि कुछ दिनों बाद में बरसात गिरी थी, लोगों को बाहर जाने का आउटलेट चौड़ा नहीं था, अलग अलग लोग नए नए ट्रेन से आते रहे और उनको एकोमोडेट ये कर नहीं सका। इसके लिए जिनको अपने नौकरी को जाना था वो लोगों के शरीर के ऊपर चढ़ के चले गए, इसके लिए स्टैम्पीड हुई। यहाँ पे ये 10 मिनट में होने वाला मामला है, ये यहाँ पे किसी की रूमर की वजह से बॉम्बे के रेलवे स्टेशन में ब्रिज से जाने वाला आदमी बगल वाले आदमी से बात भी नहीं करता, रूमर की वजह से नहीं हुआ। अब हर चीज रूमर को आप दोष देंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं है। अब ये रूमर वाली बात कहीं और हुई होगी, ये मुंबई में ऐसी कोई रूमर की वजह से नहीं हुआ, ये कोई ये नई नई कोई कहानी सुनाता है सुनाने दो, लेकिन यहाँ पे कोई रूमर की वजह से ये हादसा नहीं हुआ, ये पहली बात। दूसरी बात, बॉम्बे के नाले सफाई और रेलवे के नाले सफाई का जो स्टडी ग्रुप था उसका मैं एमएमआरडीए में था जब चेयरमैन रहा हूं,
तो मैं जानता हूं कि रेलवे क्या काम करती है और क्या नहीं करती है। मेरा ये स्पष्ट आरोप उस समय में था जब मैं एमएमआरडीए का प्रमुख था, जब रेलवे को मैंने चिट्ठी लिखी थी, इसको 15 साल हो गए, उसमें मैंने चिट्ठी लिखी थी और देर वॉज डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन क्लियरिंग द थिंग। ये तो सिल्टेशन 2 साल में होता है, ये कहानियां हम लोग बहुत सुनते हैं। मैं टेक्निकल आदमी मैं भी हूं, मैं खूब समझता हूं क्या है। तो ये बहाना देके रेलवे बच नहीं सकती ये पानी के फ्लडिंग में से। तो ये रेलवे के फ्लडिंग में रेलवे मशीनरी भी जितना काम उनसे होना चाहिए कर नहीं रही है, तो ये बहाने रेलवे बोर्ड वाले जरूर कहते रहे इन बहानों में। चंद्रशेखर जी, आपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाए हैं, टेक्निकल आदमी बिल्कुल सर, मैं भी ये इनकी सफाई की बात जानता हूं। नहीं, वन मिनट, कैन आई कम इन? आज वाली घटना की बात प्लीज साफ मैं बताता हूं कि ये रेलवे का ही फॉल्ट है। सर बोलने दीजिए, उन्होंने अगर अपना कर्तव्य, सर बोलने दीजिए। आरएसएस सिंह जी एक मिनट रुकिए प्लीज, रेलवे का फॉल्ट है, समझ गया। ठीक है ठीक है, नवाब मलिक जी कुछ कहना चाह रहे थे तब से, उसके बाद आरएसएन सिंह जी और राकेश चोपड़ा जी आपके पास आएंगे। नवाब मलिक जी, सर देखिए सीधे साफ बात है कि क्षमता से अधिक यात्री वहां पर हैं, भीड़ बढ़ना और भीड़ का नियंत्रित ना होने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। कोई भी अफवाह वाली बात सरासर गलत है। आप जिन लोगों को यहाँ लाकर बिठाती हैं कि ये रॉ के एक्स चीफ हैं, रॉ कभी भी ऑफिसर अपने आप को कभी भी एक्सपोज नहीं करता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक साहब बैठे हैं सिंह साहब, 10-12 स्टैम्पीड का हवाला दे के यहाँ पे किसको जिम्मेदार बनाना चाहते हैं? नवाब मलिक साहब, आतंकवादी कर दिया है, ऐसे पागल लोगों को लाकर आप डिबेट में बिठाती हो, नवाब मलिक साहब जिसका दिमाग ठिकाने पे नहीं, जो फ्रॉड है, जो नवाब मलिक साहब प्लीज जरा हम डिबेट की डिग्निटी को मेंटेन रखते हैं। उन्होंने इस पर क्लैरिटी दे दी है कि वो नहीं थे उसमें, तो आप इस पर प्लीज, हम इस पर अगर नहीं जाए तो बेटर होगा। यहाँ पर राकेश चोपड़ा जी, क्योंकि आपसे यहाँ पर बात समझनी शुरू हो जाती है, चंद्रशेखर प्रभु साहब ने जो यहाँ पर पॉइंट रखे उस पर आपसे जवाब लेना चाहेंगे। अरे गिव मी अ चांस टू टॉक टू दिस, मुझे इस गंदे पॉलिटिशियन को जवाब देने का मौका दीजिए। आदमी नहीं, रॉ का चीफ बना के आप बिठा दिया। सर प्लीज, सर प्लीज, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिबेट। सर प्लीज, बैड आदमी है सर प्लीज, सर प्लीज, इसको थोड़ा मेंटेन करते डिबेट। ये गंदा राज, ये गंदा पॉलिटिशियन हो गई और उसके पीछे कह रहा है कि पॉलिटिशियन को जवाब, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं सर, सर प्लीज सर, यहाँ पर बहुत गंभीर विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, हम डिबेट को प्लीज डिरेल नहीं करते हैं। राकेश चोपड़ा जी, यहाँ पर चंद्रशेखर प्रभु साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बोले हैं रिगार्डिंग कि कहाँ पर फेलर हुआ है, कहाँ पर लूप होल्स हुए हैं, उस पर आपके कॉमेंट्स लेना चाहेंगे। फ्लडिंग, पहला फ्लडिंग का है, मैं उनसे सहमत हूँ। अगर किसी एक वर्ष में उनका ये उन्होंने देखा है कि डेरिलिक्शन रही है तो बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे फिर जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। मगर जो कायदा कानून है, जो सेट कायदा कानून है, उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरे सामने भी होता रहा है। और इसमें जो है काफ़ी कुछ जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है वो सारी सिटी की है, इसमें मिलजुल कर रेलवे बीच में पड़ जाती है, इसके लिए हम फंस जाते हैं। खैर कोई, मैं इसके ऊपर और आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहूंगा। जो दूसरी बात इन्होंने बताई वो ठीक है कि जब ये प्रपोजल पिछले 3-4 साल से चल रही है, हो सकता है कि उससे पहले भी चल रही हो, इसको अप्रूव होना चाहिए था। और खास तौर पर ये जो है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अगर नहीं भी है, अगर वो कहते हैं कि असेस कर लिया कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है इसके अंदर, तो सही बात है, मगर कैपेसिटी तो चाहिए। अगर कैपेसिटी चाहिए और वो क्योंकि गाड़ियां बढ़ गई हैं, उनके डिब्बे बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो आ जा रहे हैं, और मुंबई जो है साउथ से सेंट्रल मुंबई के अंदर अपना उसने ऑफिसेज वगैरह बनवा लिए हैं, घर बन गए हैं, लोगों को आना जाना बढ़ गया है, तो ये इसके अंदर जो है कोई चूक नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सर, 8 ब्रिज हो या 1 ब्रिज हो, उनके अंदर प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए थी कि हाँ भाई सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ पे है, कहाँ पे हमें जरूरत है, ये जाके किसी को इसकी जांच करके, बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिफाई करके, बिल्कुल राकेश चोपड़ा जी, और इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस स्थिति में इस वक्त मुंबई के पुल है, कई ऐसे पुल है जो हादसों के होने का शायद इंतजार कर रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि लोग बार बार सचेत करते हैं सरकार को भी
कि देखिए क्या हालत है ऐसे पुल की, और इसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। और लगभग 48% लोग भी यही मानते हैं कि हाँ, मुंबई को जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जैसा व्यवहार उसके साथ होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। चाहे मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ही क्यों ना हो और सबसे ज्यादा टैक्स क्यों ना पे करती हो, लेकिन वैसी मूलभूत सुविधाएं मुंबई वासियों को तो फिलहाल कम से कम नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ बिग स्टोरी बिग डिबेट में जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।